आगे जिग जैक रोड आएगी पहाड़ों पे जाने वाली, नैनीताल की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं कैसा ये काम करता है। ये देखिए एक जुगाड़ ये भी है गाइस हमारे पास, जो मैं अपने व्लॉग्स में कवर करने वाला। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है इस चेस्ट माउंट फोन होल्डर के साथ में। और इसको लगा लेंगे आप अपनी चेस्ट पे, और ये कुछ कनेक्टर हैं साथ में, एडाप्टर है, और इस तरह से कनेक्ट होती हैं चीज़ें। अभी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे आप लोग अपने फ़ोन को इसके अंदर। ये है बेल्ट, ठीक है, जो चेस्ट पे आपके लग जाएगी, और अभी लगा कर दिखाऊँगा आप लोगों को मैं। और इसमें एक ये थंब स्क्रू भी आता है, तो इसको आप कस लेते हैं तो जिससे कि फ़ोन एकदम हिलता डुलता नहीं है। ये फ़ोन होल्डर है, तो इस पर नीचे से आप लगाएंगे, अभी मैं करके दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। इसको आप इसमें डालिएगा इस तरह से, ठीक है, फिर इसको नीचे से स्क्रू कर लेंगे और घुमा घुमा के ये कस जाएगा इसमें, ठीक है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है यार, कोई इशू नहीं है। ये फ़ोन होल्डर आप रोटेट भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह से लूज़ करेंगे तो किसी भी साइज़ का इसमें फ़ोन आराम से आ जाएगा। और ये है पीछे से, इसको थोड़ा लूज़ करेंगे तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी एंगल में आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये थंब स्क्रू है, इसको अंदर डाल देंगे तो ये सारा का सारा आपका असेंबल हो गया, फिट हो गया आराम से। बस आप सीधे इसको चेस्ट माउंट जो है उसके अंदर डाल देना है, जैसे एक्शन के गोप्रो वगैरह के साथ में आता है वैसे ही, एक्शन कैम जैसे आप डालते हैं बस ये, और बढ़िया ढंग से ये आपका फिट हो गया। अभी बाहर जाते हैं एक बार, देखते हैं कि ये कैसा वीडियो रिकॉर्ड करता है और फ़ोन को कैसा होल्ड करता है या नहीं। तो गाइस आज हम लोग आ गए हैं एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, ये देखिए एकदम सीधी सीधी ये रोड है यहाँ पर, और अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं, और बहुत घना जंगल है ये देखिए। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बाइक राइड पे निकले हैं, तो एडवेंचरस ऐसी रोड हमने ले ली है, ठीक है। अभी आगे जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी रोड है। और ये रहा सेटअप यार, मतलब ये जो मैंने परचेस किया है ये देखिए, ये है चेस्ट माउंट मोबाइल होल्डर, चेस्ट पे ऐसे माउंट हो जाता है, और आराम से आप लोग इससे व्लॉगिंग कर सकते हैं, बाइक राइड कर सकते हैं। और अभी एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि बाइक चलाते टाइम ये कैसा, कितना सही से रफ़ रोड्स हैं आगे, बहुत ज़्यादा रफ़ रोड है, और टूटी फूटी सड़क है, रफ़ पैचेस हैं, पॉट होल्स हैं, मतलब पूरी कर्व आगे जिग जैक रोड आएगी पहाड़ों पे जाने वाली, जो हम नैनीताल की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं कैसा ये काम करता है। एवेंजर चलेगी आज मेटियोर के साथ, और ये है पहाड़ी का रास्ता ऊपर नैनीताल का। चलो गाइस, तो ये है गाइस चेस्ट माउंट का रिव्यू, इसको आप चेस्ट पे लगाइए, मोबाइल को अटैच कीजिए, और इस पर आप एंगल चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसका एक इश्यू है, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको, पहले यहाँ पे ये रफ़ रोड है, यहाँ से निकल जाते हैं। नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल हैं यहाँ पर, और दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन देखिए कितना डार्क यहाँ पे, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इस वजह से सनरेज़ नीचे तक नहीं पहुँच रही है। और बाइक राइड का मज़ा ऐसी ही रोड्स पे आता है, कर्व्स हैं, जिग जैक रोड है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी है, और नीचे जो है ये देखिए काफ़ी रोड ख़राब है, आगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे गोप्स का व्लॉग तैयार हो रहा है, और गोप्स जो है बाइक्स के रिव्यू करते हैं, तो आज मेरी मेटियोर का रिव्यू होगा उनके चैनल पे। तो चलो आगे चलते हैं, और आगे लोकेशन बहुत बढ़िया है, वैसे तो
जिनको ड्रिंक करना होता है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अड्डा है। तो फिलहाल ये रफ रोड है, यहाँ से निकलते हैं। पूरा मोबाइल हिल गया भाई साहब। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है या नहीं। गोप्स ने बोला था कि ओके है सब कुछ और मैंने तो देखा भी नहीं। ये ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है मोबाइल को, तो मैंने पूरी तरह से इसको नीचे को बेंड कर दिया है। अगर ऊपर हम करेंगे तो वहाँ से वीडियो एंगल अच्छा आएगा, लेकिन वही है कि ज़्यादा देर तक का होल्ड नहीं कर पाता है राइड करते टाइम। और जब भी कोई ऐसे रफ पैचेस स्पॉट होल्स आते हैं तो वहाँ पे जर्क आता है और वो नीचे को आके मोबाइल को नीचे ले आता है। तो ये वही है गाइस कि जुगाड़ के लिए ठीक। गोप्स ने अपने फ़ोन पे जुगाड़ किया हुआ है, वो मेरा ही तरीका है जो मैं अपने बाकी के व्लॉग्स में करता हूँ। आज गोप्स के पास उसका एक्शन का हीरो जो है कैमरा उसके पास नहीं है, तो इस वजह से आज उसने भी वही जुगाड़ अपनाया है। और जुगाड़ भी है, अच्छा भी है। एक सेल्फी स्टिक है, उसको अपने जैकेट के अंदर डाल लो बस। और अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो एक बेल्ट के साथ में उसको होल्ड कर सकते हैं। बेल्ट लगा लीजिए चेस्ट पे और बीच में सेल्फ़ी स्टिक डाल लीजिए और बस। सेल्फ़ी स्टिक का जो क्लिप है वो अच्छा होना चाहिए जो होल्ड करता है बाइक को, मतलब सॉरी मोबाइल को। बहुत ज़्यादा स्पीड से जाना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा रफ रोड है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर गोप्रो होना चाहिए। तो बाइक राइड का मज़ा ऐसी ही रोड पे आता है। जिगजैग रोड है, टूटी फूटी रोड है, रफ पैचेस हैं, पॉट होल्स हैं, घना जंगल है। गोप्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं। क्या हुआ बना? एकदम घना जंगल। गोप्स का व्लॉग भी तैयार हो चुका है। यार पता नहीं कैमरा एंगल कैसा बन रहा है, मुझे ये मालूम नहीं बस। ये देखिए एक जुगाड़ ये भी है गाइस हमारे पास, जो मैं अपने व्लॉग्स में कवर करने वाला था। आज गोप्स ने इसको इंप्लीमेंट भी कर लिया है। हालांकि मेरा गोप्रो था तो उसका ये टूट गया। हाँ वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने दर्शकों को। तो अब ये गोप्स का यहाँ पे, गोप्स का ये जो है लॉक गोप्रो का टूट गया, तो आज गोप्रो ना यूज़ करके मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये है सेल्फी स्टिक, ये दिखा देते हैं। ये है सेल्फी स्टिक, ये मैंने परचेस की थी अमेजोन से, लिंक दे दूंगा। इसको मतलब वीडियोस के लिए भी अच्छी है और इसको आप ऐसे नहीं तो, और सेफ्टी के लिए आप यहाँ पे बेल्ट अपना लगा सकते हैं चेस्ट पे और बेल्ट पे इसको होल्ड करके जुगाड़ आपका तैयार है। और दूसरा जुगाड़ ये है जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि चेस्ट माउंट आता है, अमेजोन से ले सकते हैं, लिंक इसका भी दे दूँगा मैं। और उसे चेस्ट पर लगाइए, लेकिन बस एक ड्रॉबैक है कि मोबाइल को ज़्यादा, अगर हैवी मोबाइल है उस पर कवर चढ़ा हुआ है, बैक कवर, टेम्पर्ड ग्लास, तो वो थोड़ा होल्ड नहीं कर पाता, नीचे को गिरा देता है। तो मैंने पूरी तरह से अभी नीचे को किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे अगर लगाते हैं मोबाइल को यहाँ पे, तो वो जब मोबाइल का वेट इस पर आता है तो ये, और यह रफ़ रोड आती है, रफ़ पैचेस आते हैं, ऐसा करके ये थोड़ा थोड़ा ऐसे एंगल चेंज हो जाता है, मतलब ऊपर टिकता नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको कम्प्लीटली पूरा इस तरह से नीचे किया ऐसे, और फिर यहाँ पे मोबाइल को लगाया, तो उससे कैमरा एंगल थोड़ा नीचे हो गया। तो नीचे टैंक का पोर्शन ज़्यादा आया होगा बाइक का, क्योंकि मेट्योर में थोड़ा राइडर वाली सीट नीचे है, फिर आगे को टैंक आता है। तो ये एक इश्यू है। अगर आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है, ये चेस्ट माउंट आप लोग ले सकते हैं और बाइक से व्लॉगिंग कर सकते हैं। और अगर फ़ोन आपका थोड़ा लाइट वेट है, उसमें बैक कवर नहीं है मेरा, क्योंकि बैक कवर भी काफ़ी हैवी है और मतलब लाइट वेट है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड कर लेगा यहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा है इसका सब कुछ सेटअप, मैं लिंक दे दूँगा अमेजोन पे। भाई साहब गोप्स, गोप्स व्लॉग, ये हमारे कज़न हैं, इनकी भी बाइक रिलेटेड आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। अभी ये मेट्योर का रिव्यू मेरे से लेने वाले हैं, तो उसको अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं एवेंजर के साथ में। और अपनी ये रही मेट्योर, इसका रिव्यू करेंगे थोड़ा सा, देखते हैं इनके चैनल पर ये पोस्ट हो जाएगी वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आप लोगों को इस चेस्ट माउंट के बारे में बताया। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं जल्दी किसी नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।